फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं एटीएम कुछ पैसे निकालने। तो चलते हैं फिर एटीएम की तरफ। आ चुके हैं एटीएम पर, अब निकालते हैं पैसे। ज़्यादातर हमें ना इस एटीएम से निकालते हैं पैसे तो निकाल लिए और भैया को भी दे दिए। भैया जा रहा है, ठीक है, टाटा बाय। घर पे भी आ चुके हैं और लाइट भी जा चुकी है जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब नहाते हैं, नहाने के बाद फिर मिलते हैं। नहा धो के तो रेडी हो चुके हैं। अभी नीतीश भाई आए हैं जो कि कैंट चौराहे पर हैं, तो उनका थोड़ा इलाज वगैरह करवा देते हैं। तो चलते हैं फिर डॉक्टर के पास। वही प्रेस पे कपड़े डालना जो कि आपको ये दिख रहे होंगे, तो ये भी पापा की वर्दी वगैरह है ना, प्रेस पे डाल देते हैं। चले अमन भाई, चलो नीतीश भाई मिल चुके हैं जो ये रहे। चलो नीतीश भाई, चलो चलो भाई। उन डॉक्टर के पास आए हैं, पहले हम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे थे लेकिन उन डॉक्टर की है ना शॉप बंद है इस चक्कर में, तो यहाँ पे आना पड़ा। तो करवाते हैं नीतीश भाई का। नीतीश भाई को डॉक्टर को तो दिखवा लिया है, अभी डॉक्टर ने पर्चा बनाया है जो कि ये रहा। तो ये दवाई वगैरह लेके आते हैं। ये ले लिया अब नीतीश भाई को, इंजेक्शन भी लिया। हफ्ते में 3 बार लगते हैं, मेरा भी हुआ था जब मेरे भी लगा था। तो लगवाते हैं नीतीश भाई को इंजेक्शन और ये दवाई वगैरह तो पूरी कम्प्लीट हो चुकी है। ये गोली दवाई तो ले ली है जो कि ये बहुत सारी मिल चुकी है। अब चलते हैं डॉक्टर के पास। नीतीश भाई का एक इंजेक्शन तो लग चुका है हाथ में। अब कैसा लग रहा है नीतीश भाई? अभी तो एक और इंजेक्शन और लगना बाकी है। नीतीश भाई का तो इलाज करवा लिया है जो कि यहाँ पे करवाया था जो कि ये क्लिनिक रही। और आप कभी भी करवाना चाहे ना, ये क्लिनिक पड़ती है अपनी कैंट चौराहे की इधर पड़ती है, मॉडर्न बेकरी की बिल्कुल पास पड़ती है। तो आप कभी भी करवा सकते हैं। मैंने भी बहुत सी बार करवाया, मेरा है ना बहुत सी बार फीवर वगैरह कुछ भी अपने दाग ताज खुजली वगैरह होते हैं ना, वो सब ठीक हो जाते हैं। तो अब चलते हैं नीतीश भाई घर पे छोड़ने। चले नीतीश भाई, चलो नीतीश भाई को तो छोड़ दिया घर पे, ठीक है नीतीश भाई। मार्केट से तो आ चुके हैं, नीतीश भाई का इलाज भी करवा दिया और पापा की वर्दी भी प्रेस पे डाल दी है। तो अब करते हैं दोपहर का भोजन, है ना, रोटी और सब्जी को लेने गया ना, वैसे लाइट चलेगी, बताओ। अब करते हैं दोपहर का भोजन, कुछ सही से दिख तो नहीं रहा लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेंगे। तो करते हैं दोपहर भोजन। दोपहर भोजन में है अपने पास ये रही रोटी, ये रही दाल। तो दोपहर भोजन करते हैं, आपने नहीं किया तो आप भी कर लिए दोपहर का भोजन। भोजन तो कर लिया और लाइट अभी तक आई नहीं और कुछ मौसम भी कुछ इस प्रकार हो रहा हुआ, आपको दिख रहा हुआ, इस वजह से लाइट नहीं आ रही। पानी है ना कभी भी गिर सकता है। तो अब है ना भैया के लिए दही लेने जा रहे हैं, तो चलते हैं दही लेने। ये तो ले लिया जो ये रहा, अब चलते हैं घर पर। दही लेके घर पे तो आ चुके हैं, अब एक मीठी सी और एक पैरिसिन लेते हैं। मीठी सी और एक पैरिसिन लेके तो उठ चुके हैं और भैया की थोड़ी तबीयत खराब है तो भैया के लिए एक मीठी सी चाय बना देते हैं। तो चाय तो पी ली है, अब करते हैं कल वाले ब्लॉग की एडिटिंग। एडिटिंग तो अभी पूरी कंप्लीट नहीं करी है, बाहर ये कड़की या खड़ी है तो इसको ये ब्रेड का टुक पीस दे देते हैं, ये लो। तो फिर एडिटिंग भी पूरी कंप्लीट कर ली है और अभी का टाइम हो चुका है 9:10 और अभी मैं और अमन भाई बाहर घूमने जा रहे हैं और लाइट भी घर पर है नहीं, आपको हमारे पीछे भी दिख रहा होगा। तो इससे है ना मैं ना फ्लैश से लाइट जला के काम चला रहे हैं। तो किधर तक जा रहे हैं अमन भाई? ऐसी कैंट तक हो गया। अच्छा, ऐसे ही कैंट तक चलना है, तो चलते हैं फिर कैंट तक। फ्रेंड घर पे तो आ चुके हैं, अभी हम आटा मीड़ रहे हैं जो कि ये रहा। तो आटे को मीड़ते हैं, मैंने आटा तो गूंद दिया अच्छी तरीके से। अब प्याज मिर्ची वगैरह को काट देते हैं और लहसुन को भी छील देते हैं। लहसुन टमाटर और मिर्ची तो अपन ने काट दी है और पापा भी आ चुके हैं अभी अभी ड्यूटी से। पापा ड्यूटी कैसे ले जाते हैं? तो अब अमन भाई को उनका फ़ोन देते हैं और अपना फ़ोन लाते हैं क्योंकि है ना मैं उनकी फ़ोन से ही अभी रिकॉर्ड कर रहा था। तो फ्रेंड्स अमन भाई के पास से अपना फ़ोन भी ला चुके हैं और अपना रात का भोजन भी बन चुका है। रात के भोजन में अपने पास ये रही दाल और ये रही बाटी और ये रही मिर्ची। दाल बाटी है ना मैं हमेशा है ना चूरे खाता हूँ, तो चूर के खाने में ना कुछ ज़्यादा मज़ा आता है। तो रात भी खाने खाते हैं, आपने नहीं खाया तो आप भी खा लीजिए रात का खाना। फ्रेंड भोजन वगैरह तो कर लिया है और ब्लॉग को एंड करने की बारी आ चुकी है। तो आप नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जो दबा दीजिए, अच्छे अच्छे और प्यार प्यार कमेंट्स कर दीजिए। आई होप यू लोग को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय बाय।